थानाहापुर नगर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर 11 अवैध तमंचे, एक पोनिया, 03 अर्धनिर्मित तमंचे, कुल -15 अवैध असलहा व 02 जिंदा कारतूस एवं अवैध शस्त्र बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए। हापुर नगर पुलिस के द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर अपराधी इमरान को गिरफ्तार किया है, जो जनपद मेरठ के मुडाली का रहने वाला है। ये इसके पास से अवैध शस्त्र बनाने के उपकरणों के साथ साथ 11 बने हुए तमंचे, एक बनी हुई गोनिया और 3 अर्धनिर्मित जो है तमंचे बरामद हुए हैं। कुल 15 बने और अधबने शस्त्र इससे बरामद हुए हैं, कार्टेजेज इससे बरामद हुए हैं। पूर्व में ये जनपद मेरठ से आर्म्स एक्ट में और अवैध शस्त्र फैक्ट्री में गिरफ्तार भी हो चुका है। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि ये एक जो तमंचा है उसको लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये का बेचता है, और इसके द्वारा और भी कई महत्वपूर्ण सूचना हमें दी गई हैं। इसके संदर्भ में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है। सर, ये जो फैक्ट्री है किस जगह चल रही है? ये रेलवे खंडर है, वहाँ पर ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री का निर्माण कर रहा था, जहाँ कल शाम को इसको गिरफ्तार किया गया। क्या सर, ये ऑन डिमांड भी हथियार बनाता था? पूछताछ में कोई ऐसी चीज़ सामने आई कि इसने किसी को हथियार बेचा और उसके बाद उससे घटना कुछ हुई? अभी इसने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी हैं, हम उनको वेरीफाई करा रहे हैं, और यदि वो सत्यापित होकर सही पाई जाती हैं तो तदनुसार विधि कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। सर, ये जो अवैध हथियार है, क्या इनका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में कोई आशंका है? इसके संदर्भ में अभी कोई इम्पोर्टेंट फीड हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जितने भी क्योंकि अभी इलेक्शन पीरियड में ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, इसलिए हम सभी बिंदुओं पर गहराई से छानबीन कर रहे हैं, जहाँ से जो भी चीज़ें पाई जाएंगी तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, ऐसे क्या वजह है कि रेलवे पुलिस को नहीं पता पड़ पाई है जो फैक्ट्री चल रही है वहाँ पर? अब ये चूँकि ये वहाँ पर रेलवे का खंडर है, थाना नगर के पास में इम्पोर्टेंट सूचना आई, तो जिसके पास सूचना आती है उसके हिसाब से कार्रवाई हो जाती है।